नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। तो गाइस अभी मैं हूँ विक्टोरिया पैलेस कोलकाता में, यहाँ पर आया हुआ था मैं घूमने और अभी मैं जा रहा हूँ सेकंड फ्लोर पर। नीचे के फ्लोर पर जितने भी रूम्स थे वो सारे हमने घूम लिए हैं और अब मैं जा रहा हूँ सेकंड फ्लोर पर, देखते हैं यहाँ पर कितने रूम्स हैं। गाइस सेकंड फ्लोर पर जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो विक्टोरिया पैलेस व्लॉग का फोर्थ पार्ट है और मैं इस व्लॉग को पार्ट्स में करके इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि विक्टोरिया पैलेस में काफ़ी रूम्स हैं जिनको एक वीडियो में कवर करना काफ़ी मुश्किल है। तो चलो गाइस अभी इंटर करते हैं सेकेंड फ्लोर के फर्स्ट रूम में, लेकिन अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप जाकर देख लेना। तो गाइस ये है सेकेंड फ्लोर का फर्स्ट रूम और इस फ्लोर पर बेसिकली इन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री है, स्पेसिफिकली बताऊँ तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मतलब जब अंग्रेज़ों का राज चलता था भारत पर तब की जो चीज़ें हुई थी, मतलब कि जैसे फेमस इंसिडेंट्स या फिर फेमस पर्सनैलिटी या फिर उस समय के फ्रीडम फाइटर्स, उनके बारे में यहाँ पर बता रखा है सेकेंड फ्लोर पर। यहाँ पर ये वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू की एक पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने ये एक चीज़ लगा रखा है जिससे आप अपने अंदर छुपे रिवॉल्यूशनरी, मतलब कि क्रांतिकारी को ढूंढ सकते हो, बस आपको इसके सामने खड़े होना है। यहाँ पर लाइन बहुत लंबी है इसलिए मैं तो यहाँ पर नहीं रुकने वाला हूँ। और यहाँ पर चित्तगोंग आर्मरी रेड के बारे में बता रखा है इन्होंने। यहाँ पर श्री अरविंदो घोष के बारे में बता रखा है इन्होंने। और फिर इधर इन्होंने अलीपुर बॉम्ब केस जो हुआ था उसके बारे में बताया हुआ है। और यहाँ पर कुछ गन्स, पिस्टल्स, राइफल्स और एमोज रखे हुए हैं जो उस टाइम पर यूज होते थे। इधर सबसे पहले कुछ पिस्टल्स और उनके एमोज रखे हुए हैं। और गाइज यहाँ पर कुछ बॉम्ब्स भी रखे हुए हैं, ये देखो। और साइड में उसके है राइफल की एमोज और ये है वो राइफल। यहाँ पर कुछ और पिस्टल्स रखी हुई हैं। और इधर कुछ और उस समय के हुए फेमस इंसिडेंट्स और फेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखा है इन्होंने। और यहाँ पर उस समय के कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे रखा है। और यहाँ पर उन इंसिडेंट्स की जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग है वो रखी हुई है। यार मतलब ये जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स रखी हुई है यहाँ पर, आप समझ रहे हो ये कितनी ज़्यादा पुरानी है। यहाँ पर कुछ और फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखा है। यहाँ पर इन्होंने कुछ और फेमस इंसिडेंट्स जो उस टाइम पर हुए थे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है। और उस इंसिडेंट के बारे में जो अखबार में उस टाइम पर छपा था उसकी क्लिपिंग भी यहाँ पर उन्होंने लगा रखी है।
अलग एक छोटा सा रूम है, इसमें देखते हैं क्या क्या है। और यहाँ पर एक फ्लैग टंगा हुआ है और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। आई एम नॉट श्योर कि ये फ्लैग कहाँ का है या फिर किस चीज़ के लिए बना था ये, आई एम नॉट श्योर। और इधर गाइज एक और फ्लैग इन्होंने लटका रखा है। और गाइज ये इस फ्लैग को मैं जानता हूँ, ये सुभाष चंद्र बोस ने जो अपनी आर्मी बनाई थी आज़ाद हिंद फौज, उसकी फ्लैग है ये। और ये फ्लैग तिरंगा है जो गांधी जी ने सबसे पहले डिज़ाइन किया था, सबसे पहले वाला मतलब कि गांधी जी ने जो तिरंगा बनाया था वो ये है, जिसमें बीच में ये चरखा उन्होंने लगाया था, गांधी जी का बनाया हुआ तिरंगा ये। मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो इस फ्लोर पर मतलब कि सिर्फ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में इन्होंने बता रखा है कि कौन कौन से इंसिडेंट हुए थे, फेमस और फेमस पर्सनालिटीज़, फेमस फ्रीडम फाइटर्स, इन्हीं सब के बारे में इन्होंने बता रखा है सेकेंड फ्लोर पर। तो ओके गाइज, बस एक और रूम बच गया है विक्टोरिया पैलेस का, वो मैं आपको अगले व्लॉग वीडियो में दिखा दूंगा। बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाला हूँ मैं फिफ्थ पार्ट, तो देखना मत भूलना। और अगर आपने पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो आप ज़रूर देख लेना।